एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है और इसी माह में यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो है बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ भी चालू होने वाली हैं और पूरी समय सारणी भी घोषित कर दी जा चुकी है। लेकिन स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे परीक्षा तिथियां निकट आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार से बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा लगातार परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है और छात्रों की सीधे सीधे मांग है कि बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाओं को निरस्त करके उन सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। और इस संबंध में विश्वविद्यालय के गेट के सामने लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ विभिन्न छात्रों द्वारा अपने अपने जिले में जो जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन भी दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में बहुत सारे बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई थी कि बीएड प्रथम वर्ष के बच्चों की परीक्षाओं को निरस्त करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा सभी बीएड प्रथम वर्ष के बच्चों को प्रमोट किया जाए और इस संबंध में सीएम पोर्टल द्वारा क्या कार्रवाई की गई। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे यहाँ पर सूचना मांगी गई थी इस संबंध में, जब छात्रों द्वारा शिकायत की गई थी सीएम पोर्टल पे। तो स्टूडेंट, इसी संबंध में यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ बिल्कुल आ चुकी है और यहाँ पर उप कुल सचिव यानी जो रजिस्ट्रार होते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को जो कि सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी उस शिकायत का जवाब दे दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो लेटर मैंने आप सबके सामने ओपन कर रखा है, ये लेटर उप कुल सचिव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ को जो है भेजा गया है। तो स्टूडेंट, जल्दी से मैं अब इस लेटर को पढ़ देता हूं। तो देखिए, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, सेवा में प्रभारी अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, विषय जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के संबंध में। महोदय, तो स्टूडेंट्स यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, कृपया अवगत कराना है कि जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के माध्यम से BA, BEd, MA, MSc, BSc, BA, BTech छात्र व अन्य छात्रों द्वारा परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जाने व परीक्षा संपन्न कराने से संबंधित शिकायत दर्ज की गई है। अतः उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि COVID-19 से बचाव के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण बाधित विश्वविद्यालय की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुक्रम में छात्र छात्राओं के व्यापक शैक्षिक हित के दृष्टिगत सत्र 2019-2020 हेतु निर्मित संशोधन अध्यादेश के अनुसार COVID-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें भवदीय उप कुल सचिव। यानी स्टूडेंट्स, यहां पर उप कुल सचिव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा यह लेटर सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत का जवाब दे दिया गया है रिप्लाई में। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितनी भी परीक्षाएं वो सभी परीक्षाएं COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न कराई जा रही हैं। तो स्टूडेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की तरफ से सरकार को दिए गए इस जवाब से छात्रों की किसी भी समस्या का कोई हल नहीं निकला है। तो स्टूडेंट्स, फिर से परीक्षा संबंधी कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले चैनल पर अपडेट किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।